लॉकडाउन खोलन का ऐलान की किया। पंजाब दे विच क्राइम लगातार वधना शुरू हो चुकिया। कल 8 तरीक है तो कल कितने ना कितने असी कह सकते कि काफ़ी खुल जी सरकार वालों दे दी गई, पर क्राइम जिहड़ा असी कह सकते हैं कि सिर चढ़ के बोलता पिया। इस वेले पंजाब पुलिस के हाथ एक वड्डी कामयाबी लगी है। समान जिन्ना भी तुसी देख रहे जे ट्राली ट्रैक्टर के नाल कंबाइन मशीन, दो ट्रैक्टर ने, दो ट्रालिया ने, तो एक कंबाइन मशीन, तो एक है नौजवान जिदे को 800 लीटर शराब कहा जा रहा कि 800 लीटर ये को शराब भी क्या जा रहा। बाकी जानकारी असं जरूर अधिकारियों के नाल लवेंगे कि अधिकारी ये बारे की पुष्टि करते, जिनी कि नॉलेज सानू मिली है कि इस कोलो इना समान जिहड़ा वा ओह फड़िया गया। अधिकारियों के नाल भी गलबात करांगे, राबता कायम करांगे। पहला तुहानू दिखा दिए समान जिहड़ा इहदे कोलो बरामद किया गया वह की है, वह भी असी तुहानू दिखा दिंदे आ। तो अधिकारियों के नाल असी राबता भी कायम कर लेने कि अधिकारी इस बारे की कहते हैं। समान की गल करिए कि सुने जाने बराबर फड़े गए ये एक एक ट्रैक्टर से एक रीपर तूड़ी बना, जिस के संबंध में असी 52 मुकदमा जरा IPC दर्ज किया। उस मुकदमे की तफ्तीश करद जी असी एफर्ट्स करते रहे, ट्रेस कर ली। इन दी मेन टाइम असी बलजिंदर सिंह बल्लू नाम का व्यक्ति आ जिहड़ा कि मजीठे का रहने वाला वा, इनू असी काबू किया। जिहड़ा काबू किया इहदे पासों जिहड़ा साढ़े इलाके च चोरी होया एक रीपर तूड़ी बनाउण वाला ते एक ट्रैक्टर जौंडियर जिहड़ा बरामद किया गया सी। जदों बरामद किया गया फरदर तफ्तीश ते इहदे पासों चार ट्रैक्टर होर जिहड़े तीन बरामद होए जिहड़े कि होर होरना व्यक्तियों के वख-वख इलाके चों चोरी किए गए सी। इनू फिर प्रोडक्शन इस तों बाद असीं इनू न्यायिक हिरासत च भेजता। इनकी मेन टाइम जदों इन जेल दे च भेजा ते फिर साडे पास जिहड़े आ गुरदासपुर इलाके के जिहड़े लोग आ वो आए भी साडे इलाके च वी जिहड़े आ साडे ट्रैक्टर ते ट्रालियां वगैरह चोरी होईआं। इस दे संबंध विच असीं इन्हां नूं दुबारा जिहड़ी आ प्रोडक्शन वन ते लिया के इनू फरदर तफ्तीश की आ। इहदी तफ्तीश करन तों जिहड़े दो ट्रैक्टर, दो ट्रालियां, एक तूड़ी बनाउण वाला रीपर, इस तों इलावा एक रूटावीटर ते ड्रिल मशीन असीं दुबारा बरामद। कोई शराब शरूब की भी गल की जाती, कोई इस तरह की भी गल है कि 800 लीटर शराब ये को फड़ी गई? वो एक साढ़े इलाके कल एक इनफॉर्मेशन मिली सी, इनफॉर्मेशन के आधार पर असी रेड किया। ये सी आत्मा सिंह ते सरवन सिंह दो सगे भरा सी जिहड़े कि पता लगा शराब नजायज सीद करके ते अगे वेच दिया। उहदे घर रेड करन ते असी एक्साइज पार्टी नूं शामिल करके रेड किया ते इहदे पासों चार ड्रम 200 लीटर दे ते वर्किंग स्टेल जिहड़ी आ इंप्लीमेंट पर दी वर्किंग स्टेल समान पट्टी जिहड़ी कि बरामद की। समान ते जिहड़ा समान इहदे को फड़िया गया कुल असी मुल दी गल करिए ते किन्ना मुल दा समान ते होर कड़ियां जिहड़ी ते काबू आ गईआं चोरियां उह ते पता लग गया, पर होर की इहदे को? वेखो जी हाल की घड़ी असी तफ्तीश कर रहे हैं जिन्ना क समान साढ़े को, चार ट्रैक्टर असी पहलों तो रीपर वगैरह बरामद किया, इस तों अलावा हुण फिर दो ट्रैक्टर, दो ट्रालियां, तो रीपर ते रूटावीटर वगैरह अहीं बरामद। वैसे सर गल की जाए तो जिहड़ा दोषी नूं गिरफ्तार किया गया काम की करता सी ते की इहदा सिर्फ इहो ही काम सी या फिर खेतीबाड़ी वास्ते इह ट्रैक्टर करदा या फिर वेचदा सी ट्रैक्टर? वेखो जी ये अगे वेचदा सी जिहड़े साडू जिहड़े तीन ट्रैक्टर अगे जिहड़े बरामद होए आ वो जिहड़े आ वो अगे नैक्सट एक होर बंदा असी जेले जिहड़ा भेज चुके आ रजिंदर सिंह आलोपो के थाने दा उहदे पासों बरामद होए सी अगों वेच दिते। इह वी जिहड़े हुण बरामदगी होई है इहने अजे इकट्ठे कीते सी वेचण दी ताक दे विच सी ते आसे पासे रखे सी अजे वेचदा किन्नू सी कि उहनां नूं वी हिरासत विच लिता जाएगा क्योंकि जेकर इहने इह वेचने सी ते होर जिहड़े कीते होणगे चोरी उह वी वेचे होणगे? वेखो जी जिहड़ा दौराने तफ्तीश जिहड़े होर ट्रैक्टर जिहड़े इहने वेचे सी उह ऑलरेडी असीं रजिंदर सिंह लोपो के थाने दे इलाके दा असीं उहनूं अरैसट करके जेल च भेज चुके आ। कहिण दा मतलब कि इक ही बंदा सी जिहनूं वेचदा सी कि होर वी इहने रखे होए सी लिंक, क्योंकि जे उह ते जेल च चला गया ते बाकी इहने किधर वेचने सी? हाल दी कड़ी जी जो साडी तफ्तीश दे सामने आया वा इहो आया वी आह जिहड़े ट्रैक्टर जिहड़े दो इहने वेचे सी फलाणे बंदे नूं वेचे सी उह असीं लिया के उन्होंने अं जेले उस पासों बरामदी करके जेल च भेज चुके हैं। आ ट्रैक्टर जिहड़े बरामद किए गए ये अजे इन्हें वेचने से अजे वेचे नहीं सी, अजे ये कोल सी। होर इस तों इलावा ट्रैक्टर तों इलावा होर कोई चोरियां सामने आईयां जिस तरह कारां हो गईआं या फिर नौ पैसे लुट लैने किसी को, इस तरह की भी वारदातां कीतीआं इन्होंने? अजिही हाल की घड़ी कोई सामने नहीं आई तफ्तीश के दौरान, जो कोई आऊगी तो फिर नैक्सट जी नशे नुशे का आदि से कोई अजिही गल नहीं पाई। पैसे जिहड़े आ परिवारिक मैंबरां दी जी गल कीती जाए परिवारिक मैंबरां विच कौन कौन सी कि इकल्ला ही इस काम नूं अंजाम दिंदा सी या परिवारिक मैंबर भी कोई इहनां मौजूद सी? वेखो जी परिवारिक मैंबर दी कोई गल सामने नहीं आई, इहदे नाल इक होर बंदा सी जो तफ्तीश तों आया उहदा नां जानदा वा उहदा मुकम्मल एड्रैस बारे नहीं जानदा, उहनूं ही ट्रेस करके गिरफ्तार करन दे एफर्ट जारी है।
सर वैसे एक गल असी करिए, जिस तरह लॉकडाउन का हुक्म भी सरकार वाले दिता गया, हर चौंक दे पुलिस तैनात की गई है, इस तरह दी वारदात सामने आ जाणियां, चोरी करके लै जाणा, मुड़ के पता लगना किधर गया, बड़ी हैरानी वाली गल है, किस तरह देखते हैं? ये वेखो जी, ये लॉकडाउन तो पहलों दियां गल्लां वा, ये जिहड़े चोरी होए ट्रैक्टर जिहड़े असीं बरामद कीते, लॉकडाउन तो पहलों कुछ 20 दे शुरुआत च होए आ, कुछ 19 च होए आ। लगदा कि लॉकडाउन खोलदियां ही चोरियां दियां घटनावां, लुट्टां दियां घटनावां सामने आणगियां, क्योंकि बीती रात ही काफ़ी जिहड़ियां 2-3 घटनावां आ गईयां, लगदा कि वध होणगियां। वेखो जी, जेकर दोषी जिहड़े इस गल्लों कोई उपराले करनगे, तो पुलिस भी इसका मुस्तैद आ, ठीक है ना। अफसरां वल्लों सानूं लगातार सीधां दित्तियां जांदियां, लगातार साडे नाके जिहड़े आ गश्तां जिहड़ियां रेगुलर जिहड़ियां जा रही है। बिल्कुल सही गल है, पुलिस वालों अपना काम जिहड़ा बखूबी किया जा रहा कि इन्हां नूं नत्थ पाई जा सके, जिहड़े कि इस तरह दीआं घटनावां इस तरह दीआं वारदातां नूं अंजाम दिंदे ने, उन्हां नूं नत्थ पाई जावे, ते पुलिस तैयार सो तैयार बैठी है, जेकर चोर चक्के लुट्टां करन वाले या फिर कोई भी दोषी अपराधी जो भी कोई भी जिहड़ा कोई अपराध करन वास्ते निकलेगा, तो पुलिस वल्लों उहदे नत्थ जिहड़ी है उहनूं पाई जाएगी, तो पुलिस वल्लों पूरा किते ना किते अहम तरीके दे नाल रोल अदा किया जा रहा कि कोई भी क्राइम ना हो। तो देख सकते जी कि जिहड़ा समान 800 लीटर की जिहड़ी गल की जा रही है, यह सारा समान है जिहड़ा कि बरामद किया गया। नाल एक होर तुहाडे नाल जानकारी असीं सांझी कर दिंदे, एक करेटा गड्डी दे नाल यह दो जिहड़े अपराधी जिहड़े फड़े गए ने, जिन्हां वल्लों यह करेटा गड्डी चोरी की गई, तो होर कड़ियां गड्डियां चोरिया की गई सी, वह भी असीं जानकारी जरूर सांझी करांगे भी किस हालातों की गल करिए कि किस तरीके दे नाल इन्हां ने यह चोरियां कीतियां ने। असीं यह कह सकते हैं कि पुलिस वल्लों लगातार अपराधियों नूं नत्थ पाउण वास्ते कि ना कि जद्दोजहद की जा रही है कि क्राइम जिहड़ा वह वध ना सके, जिस कारण हालात जिहड़े आ तुहानूं दिखा रहे हैं। अमृतसर की गल कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस लगातार अपराधियों को गिरफ्तार करने वास्ते कोई कमी नहीं छड़ रही है, अधिकारी मौजूद ने, इन बारे भी जानकारी दो। 800 लीटर की जी गल है, समान कितों फड़िया गया सर? इस तरह जी, जे कल की गल आ, इतलाह मिली सानू, पुलिस पार्टी इतलाह मिली भी ये दोनों दो भरा आत्मा सिंह ते सरवन सिंह पुत्र मंगल सिंह वाले दे आ, जिहड़े शराब नजायज कसीद करके ते जिहड़ी आ वेचदे आ, उस इतलाह ते जिहड़ी आ एक्साइज डिपार्टमेंट नूं शामिल तफतीश करके ते असीं रेड कीता, रेड करन ते जिहड़ी आ घर दे विचों जिहड़े आ 4 ड्रम 200 के जी, कुल 800 के जी ते एक इंप्लीमेंट फॉर दी वर्किंग स्टेल जिहड़ी कि समान भट्ठी जितों शराब नजायज कसीद करदे उह बरामद कीती। सारा समान सर, पाइप वगैरह ये तैयारियां सी उहनां दे विच कढ़न? ये वेखो जी, इहनूं कहिंदे आ समान भट्ठी, जिहदे तों ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਸੀਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨ ਰਾਜਾ ਤੇ ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ, ਰਾਜਨ ਰਾਜਾ ਨਿੱਕੋ ਸਰਾਂ ਥਾਣਾ ਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਗ ਕਲਾਂ ਦਾ ਥਾਣੇ ਮਜੀਠੇ ਦਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਰਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਰੇਟਾ ਕਾਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫਾਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ? ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 2019 'ਚ ਹਿਮਗਰੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਨੂ ਸ਼ੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੇਚਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ
ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਾਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 800 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਤੇ ਭੱਠੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਈਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਬਜਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।